तो गाइस अगर आपकी भी यार फर्स्ट अर्निंग कंप्लीट हो चुकी है बट स्टिल यू आर कंफ्यूज कि यार अब आगे क्या करना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा और भी अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम सेल्स कन्वर्ट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं या फिर लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, सो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अगर आपकी फर्स्ट अर्निंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को देख लेना, लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, जाओ उस वीडियो को देखो। उस वीडियो मैंने बहुत तगड़े मेथड्स बताए हैं दो, जिससे बहुत लोगों को हेल्प मिली है एंड आपको भी मिलेगी। एंड अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो यार, उन मेथड को यूज करो एंड अपनी फर्स्ट अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके या फिर अगर आप टीम महेश पर हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा यार, जो भी बंदा मेरे साथ सिल्वर एंड गोल्ड के साथ मिलन टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करता है उन सभी को यार मैं डिस्काउंट तो देता ही हूं एंड साथ ही साथ उनकी जो फर्स्ट अर्निंग होती है वो भी मेरी तरफ से होती है। अब उसके बाद कैसे आप और भी अर्निंग कर सकते हो, जाने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना एंड चैनल पर नए हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस चलो मान लिया आपकी फर्स्ट अर्निंग भी होगी, लेकिन अब आगे क्या, अब कैसे इस अर्निंग की हेल्प से आप और भी अर्निंग्स को जनरेट कर सकते हो या लीड्स को जनरेट कर सकते हो या सेल्स को जनरेट कर सकते हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला रूल है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन यानी मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, बहुत ही जरूरी होता है किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस के लिए। एंड प्रोफाइल अगर आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज करा होगा ना यार, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से आपको बहुत ही क्वालिटी लीड्स आए। क्योंकि देखो यार, मैंने भी अच्छे से अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया, यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने अपने बायो को प्रॉपर सेट करा हुआ है, मैंने हाइलाइट्स वगैरह ऐड करे हुए हैं। अब जो भी बंदा या जिसने भी बिजनेस करना होता है, जैसे वो प्रोफाइल पर विजिट करता है मेरे, तो उसे मेरा प्रोफाइल ऑथेंटिक लगता है, एक जेन्युइन लगता है। और अगर उसको कोई भी डाउट होते हैं तो वो मेरे प्रोफाइल पर विजिट करके मेरे हाइलाइट्स को चेक कर लेता है, जहाँ से उसको अंदाजा हो जाता है कि यार ये बिजनेस रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, जिससे अगला बंदा मेरे साथ या स्टार्ट करता है बिजनेस को। और यही यार एक क्वालिटी लीड होती है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखो यार जो भी आपकी फर्स्ट अर्निंग होती है ना, सबसे पहले आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट को सेव कर लो गैलरी में, आगे जाके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसी स्क्रीनशॉट को आपने करना क्या, इंस्टाग्राम के स्टोरी पर शेयर करना है। एक अच्छा सा सॉन्ग लगा लो, एक अच्छी सी फोटो लगा लो अपने से जहाँ पर आप चमक रहे हो, ठीक है। साथ में एक टेक्स्ट भी ऐड कर लेना कि यार इसी इंस्टाग्राम को यूज़ करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैंने 400 रुपये की अर्निंग कर ली। एंड जो स्टोरीज आप शेयर करोगे साथ ही साथ आपने अपने हाईलाइट्स में भी ऐड करना है एंड माई अर्निंग का एक हाईलाइट बना लेना, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको यही अर्निंग यार बैंक पर भी आ जाती है ना, तो उसको भी आपने अपने हाईलाइट्स में ऐड जरूर कर लेना है। एंड इसी तरीके से आपने और भी हाईलाइट्स को बना लेना है, जैसे कि हो गया टीम अर्निंग या फिर स्टूडेंट अर्निंग या फिर स्टूडेंट का फीडबैक या फिर टेस्टिमोनियल्स हो गया। एंड आपने अच्छे से अपने बायो को भी बना लेना है, जैसे कि मैंने अपने बायो को बना रखा हुआ, क्योंकि इससे प्रोफाइल बहुत ही ऑथेंटिक एंड रियल लगता है यार। अब देखो यार, आपके जितने भी फॉलोवर्स है, ठीक है, आप जब भी कोई भी स्टोरीज को डालते हैं वो ऑब्वियसली बातें वॉच तो करते हैं, ठीक है। एंड जो भी बंदा आपके स्टोरी से यार इन्फ्लुएंस होता है, जो इस बिजनेस को करना चाहेगा, अर्निंग करना चाहेगा, तो यार ऑब्वियसली बात है वो आपके प्रोफाइल पर विजिट करेगा। एंड अगर आपने हाईलाइट्स वगैरह ऐड नहीं करे होंगे माय अर्निंग के, बैंक प्रूफ के, अगर उसको वो चीज़ें मिलेगी नहीं, तो यार वो बंदा ट्रस्ट कैसे करेगा, आप खुद बताओ। अब ऑब्वियसली बात है मैंने कर रखी है इसलिए अगला बंदा इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन अगर आपके प्रोफाइल पर हाईलाइट्स ही नहीं होंगे यार, प्रूफ ही नहीं होगा, जैसे मैंने आपको कहा था हाईलाइट्स हमारे प्रूफ का काम करते हैं, तो कैसे अगला बंदा मानेगा, नहीं मानेगा भाई। तो आपने क्या करना है, आपने मेक श्योर अपने हाईलाइट्स, अपने प्रोफाइल को अच्छे से बनाना, जो कि बहुत ही जरूरी है। सो गाइस अब बात करते हैं हम अपने सेकंड रूल की, एंड दैट इज रील वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर रील वीडियोस इतना पॉपुलर हो चुका है एंड बहुत सारे लोग यार रील वीडियोस की हेल्प से भी यार लीड्स को जनरेट कर रहे हैं। इवन मैंने भी बहुत सी रील वीडियोस को बनाया एंड लीड्स को जनरेट किया एंड वहां से भी काफी ज्यादा सेल निकाली, काफी ज्यादा अर्निंग की है। लेकिन आप कैसे अपनी फर्स्ट अर्निंग की हेल्प से यार रील वीडियोस बनाओगे एंड किस टाइप की रील वीडियोस बनाई जाती है, चलो आज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेरी कुछ रील वीडियोज यार, एंड यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा गया रील वीडियो में, पीपल थिंक्स रील्स आर जस्ट फॉर टाइम पास बट आई एम मेकिंग 2000 to 3000 यूजिंग सेम रील। अब इस तरीके से देखो यार, अगर इस टाइप की रील किसी के पास पहुंचती है तो अगला बंदा जरूर ट्रिगर्ड होता है यार, क्योंकि देखो यार मैक्सिमम लोग रील्स को यूज तो कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता कि यार यहाँ से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग बोलेंगे यार हम भी तो रील बना रहे हैं, हम भी तो रील को क्रिएट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमने तो कोई अर्निंग नहीं करी। तो इससे क्या होता है, अगला बंदा ट्रिगर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उससे क्या होता है अगला बंदा आपको कॉन्टैक्ट करता है कि भाई कैसे करना है अर्निंग, मुझे भी बताओ, ठीक है। तो इस टाइप के रील्स को आप कैसे बना सकते हो, टेक्स्ट वगैरह क्या ऐड करना है, क्या लिखना है, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले आपने कुछ इस टाइप से कुछ क्लिप्स को यार बना लेना है, ठीक है। जैसे आपकी फर्स्ट अर्निंग होगी ना, उसका स्क्रीनशॉट तो आपने लिया ही है, साथ ही साथ आपने कुछ इस टाइप से रैंडम से क्लिप्स को बना लेना, क्योंकि ये जो क्लिप्स है ना आगे जाके आप इन्हीं को यूज करके रील वीडियोज को बनाओगे। अब आप चाहो तो अपने रील वीडियो में कुछ इस तरीके से लिख सकते हो
कि पीपल थिंक्स रील्स आर जस्ट फॉर टाइम पास, बट आई मेड 400 रुपीज़ या 800 रुपीज़ या फिर जितनी भी आपकी अर्निंग है इन जस्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स यूजिंग सेम रील। अब इससे क्या होगा, अगर आप भी इस टाइप का कंटेंट डालोगे तो अगला बंदा जरूर इन्फ्लुएंस होगा यार। इस तरीके से आपने क्या करना है, जब भी आपकी अर्निंग होती है ना यार, जब भी आपकी अर्निंग होती है आपने स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, साथ ही साथ आपने करना क्या, कुछ रैंडम क्लिप्स को भी आपने रिकॉर्ड कर लेना है, और उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उन क्लिप्स को यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर और रील वीडियोज़ को बना सकते हो। अब किस टाइप के रील वीडियोस को बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब आइडियाज़ के लिए आप मेरे प्रोफाइल पर विजिट करना एंड मेरे रील वीडियोस को देखना, वहाँ से आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे किस टाइप से आप रील्स को बना सकते हो। एंड ऐसी रील जब लोगों तक पहुँचती है तो यार ऑटोमेटिकली आपकी लीड्स भी जनरेट होती है एंड उनको आप कन्वर्ट करके अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोफाइल नहीं बनाया होगा, हाईलाइट्स वगैरह ऐड नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रील बनाने से पहले या सबसे पहले आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान देना है। अब देखो यार, मैंने आपको दो रूल तो बता दिए यार फर्स्ट अर्निंग के बाद आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको लीड्स आएंगी, लेकिन यार लीड से बात कैसे की जाती है, अगर आप उसको सेल डन कर पाओगे तो ही तो आपकी अर्निंग होगी ना भाई। तो उसके लिए यार आपको इस वीडियो ऊपर वाली वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने आपको बता रखा हुआ कैसे आप व्हाट्सएप पर लीड से बात कर सकते हो एंड अपनी सेल को क्लोज कर सकते हो, सेल को डन कर सकते हो। इसके अलावा मेरे साथ मिलियन ट्रैक के बिजनेस को स्टार्ट करना है और यार फायदे में यार रहना है तो इस वीडियो को देखना, नीचे वाली वीडियो को, इसमें मैंने प्रॉपर बताया कि आपको यार सिल्वर गोल्ड एंड इलाइट में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे साथ स्टार्ट करने में इस बिजनेस को। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इस टाइप की एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर तब तक के लिए बाय।